सब्सक्राइब करें नॉलेज ऑफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दवाओं के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक कंपोजिशन वाली सिरप, जिसकी जो मूल कंपोजिशन होती है वह आपका एसिक्लोफेनिक एवं पारासीटामोल होता है। इस जो एसिक्लोफेनिक और पारासीटामोल के कंपोजिशन वाली सिरप आती है, यह सिर्फ और सिर्फ आपको बच्चों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। वैसे तो एसिक्लोफेनिक और पारासीटामोल के कंपोजिशन में आपको टेबलेट्स भी आती है, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो बना रखा है। तो यदि आप में से कोई फ्रेंड जो कि एसिक्लोफेनिक एवं पारासीटामोल के कंपोजिशन में आने वाली टेबलेट्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है तो आप वहाँ से उस टेबलेट के बारे में सीख सकते हैं। बट इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एसिक्लोफेनिक एवं पारासीटामोल के कंपोजिशन में आने वाली सिरप्स के बारे में ही सीखेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको बच्चों के लिए प्रयोग में दिया जाता है। अगर हम एसिक्लोफेनिक और पारासीटामोल के कंपोजिशन में आने वाली सिरप के कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पॉपुलर आपका एसिक्लोफास्ट पी सिरप, निमुसेट एएफ सिरप, एसिक्लोकास पी सिरप एवं सेरोस्टेन पी सिरप के नाम से जानते हैं। तो ये चार पांच हमने आपको कुछ पॉपुलर ब्रांड्स बताए, बट हो सकता है आपके एरिया में इन ब्रांड्स के अलावा किसी और ब्रांड नेम से मिलती हो, बट जो दवा का मूल कंपोजिशन होगा वह आपको एसिक्लोफेनिक एवं पारासीटामोल ही होगा। इसमें जो एसिक्लोफेनिक होता है वह आपका 50 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में एवं जो पारासीटामोल होता है वह आपका 125 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। तो वीडियो में आगे हम सीखेंगे इसके यूजेज के बारे में विस्तार से कि किस किस कंडीशंस में डॉक्टर द्वारा यह एसिक्लोफास्ट पी सिरप मतलब एसिक्लोफेनिक एवं पारासीटामोल के कंपोजिशन में आने वाली सिरप का प्रयोग बच्चों के लिए करते हैं, साथ ही साथ बच्चों के लिए इसकी क्या कॉमन डोज होती है और बच्चों को किस डोज में ही दिया जाता है। जब कोई बच्चा इस कंपोजिशन वाली सिरप को लेना स्टार्ट करता है तो बच्चों के अंदर क्या कुछ रिवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है, एवं वीडियो के लास्ट में हम सीखेंगे इसके कुछ सेफ्टी एडवाइसेस के बारे में कि हमें क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए अपने बच्चे के लिए। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दे और चैनल पर नए व्यूअर है तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त किशन, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने जाना कि जो आपका एसिक्लोफास्ट पी सिरप है उसकी जो मूल कंपोजिशन होती है वह आपका एसिक्लोफेनिक एवं पारासीटामोल होता है, जिसमें एसिक्लोफेनिक आपका 50 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में एवं पारासीटामोल 125 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। तो अगर हम इसकी यूजेज की तरफ देखते हैं विस्तार से तो इसका सबसे पहला प्रयोग आपको पेन रिलीविंग के तौर पे किया जाता है। यदि आपके बच्चे को किसी भी प्रकार का पेन हो रहा हो, चाहे वह बच्चे को बोन पेन हो रहा हो, जॉइंट्स पेन हो रहा हो, बैक पेन हो रहा हो, मसल्स पेन हो रहा हो, या फिर आपके बच्चे को हेडेक की समस्या हो मतलब सर में दर्द हो रहा हो, टूथ पेन हो रहा हो, कान में पेन हो रहा हो, या फिर किसी भी प्रकार का अगर आपके बच्चे को पेन हो रहा हो तो उन सारे कंडीशंस में और उन सारे पेन को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह एसिक्लोफास्ट पी सिरप का प्रयोग किया जाता है एवं बच्चों के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा सम टाइम्स डॉक्टर इस सिरप का प्रयोग बच्चों के लिए फीवर रिड्यूसर के तौर पर भी करते हैं। यदि आपके बच्चे का फीवर डाउन नहीं हो रहा हो और काफी दिनों से फीवर चलता हुआ आ रहा हो तब वहां पर डॉक्टर एसिक्लोफेनिक एवं पारासीटामोल के कंपोजिशन में आने वाली सिरप का प्रयोग करते हैं एवं बच्चों के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। वैसे यह जो एसिक्लोफेनिक एवं पारासीटामोल के कंपोजिशन में आने वाली सिरप होता है बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा सेफ माना जाता है, तो आप इसका प्रयोग इजीली ओटीसी के रूप में भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। बट मेरी यह एक सलाह होगी कि आप किसी भी प्रकार के मेडिसिन का प्रयोग खासतौर पर बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ओटीसी के रूप में ना करें, मतलब ओवर द काउंटर परचेज करके ना करें, नहीं तो उससे होने वाले घातक दुष्परिणाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे। अगर हम इस कंपोजिशन वाली सिरप के साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं बच्चों के लिए तो इसमें सबसे पहले बच्चों को नौजिया या वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, साथ साथ बच्चों का स्टमक अपसेट सा दिख सकता है, बच्चों को डायरिया की समस्या हो सकती है, बच्चों को सीने में जलन हो सकता है या फिर एब्डोमिनल पेन हो सकता है। तो ये इनके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है। ये साइड इफेक्ट्स या फिर इसके अलावा कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट्स आपके बच्चे को देखने को मिले तो आप फर्दर इस कंपोजिशन वाली सिरप का प्रयोग में लेना बंद करें और अपने बच्चे को अपने डॉक्टर से कंसल्ट कराएं, ताकि जो डॉक्टर है वह जल्द से जल्द आपके बच्चे को कोई अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके। अब हम वीडियो में जान लेते हैं दोस्तों इसके डोज के बारे में। अगर हम एसिक्लोफेनिक एवं पारासीटामोल के कंपोजिशन में आने वाली सिरप के कॉमन डोज की बात करते हैं बच्चों के लिए तो इसकी जो कॉमन डोज होती है बच्चों
बच्चों के लिए वह आपका 15 से 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से बच्चों को दिया जाता है। यह इसकी कॉमन डोज होती है। अगर हम इस डोज को एग्जांपल के तौर पर समझते हैं तो यदि आपका बच्चा 10 केजी का है तो हम उसे 15 × 10 मतलब 150 मिलीग्राम हम उसे दिन में एक बार या फिर डिवाइडेड डोज में बच्चे को दे सकते हैं, तो बच्चों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर हम इस डोज को ml से तुलना करते हैं तो जो एसिक्लोफेनिक और पारासिटामोल होता है वह आपका 50 मिलीग्राम एवं 125 मिलीग्राम के पर 5 ml के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। तो इजिली हम अपने बच्चे को लमसम 5 ml या फिर 5 ml से थोड़ा कम बच्चे को दिन में एक बार एवं दो बार प्रयोग में दे सकते हैं, तो बच्चों के ऊपर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यह जो डोज है थोड़ा बहुत आपके बच्चे के बॉडी वेट एवं कंडीशंस के ऊपर भी ऊपर नीचे हो सकता है, बट कॉमन डोज इतनी ही होती है। अगर हम एसिक्लोफास्ट पी सिरप के सेफ्टी एडवाइस की ओर चलते हैं तो आप कभी भी अपने बच्चे को ओवरडोज प्रयोग में ना दें। यदि आप अपने बच्चों के लिए ओवरडोज सिरप को देते हैं तो हो सकता है आपके बच्चों के अंदर कुछ रिवर्स इफेक्ट देखने को मिले। और साथ ही साथ जब भी आप अपने डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो अपने बच्चों के पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एवं प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, ताकि जो डॉक्टर है वो अच्छी से अच्छी मेडिसिन आपके बच्चे को प्रयोग में दे सके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने आपको संपूर्ण डिटेल्स बताई है एसिक्लोफेनिक एवं पारासिटामोल के कंपोजिशन में आने वाली सिरप के बारे में, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका बच्चों के लिए प्रयोग में दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में हमने आपको कुछ नई जानकारी दी होगी, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और चैनल पर अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह का कॉन्टेंट आपको यहाँ पर मिलता रहता है। मैं हूँ आपका दोस्त किशन। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।